बाबा जी से कब से चने खा रहे हैं? मैं तो पहली दफ़ा ही आया, लेकिन ये बच्चे इधर तकरीबन दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं चने। अच्छा, तो टेस्ट कैसा है जी इनका बाबा जी का? बच्चों के बकौल तो अच्छा टेस्ट है इनका। अच्छा, आज जाकर मैं भी खुद जरा ट्राई करता हूँ, देखते हैं कि कैसा टेस्ट। चले चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बाबा जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बाबा जी को मैं इधर ही रहने वाला हूँ, तो बाबा जी को रोज इधर जाते गुजरते देख रहा होता हूँ, तो माशाल्लाह रश काफी होता है बाबा जी के पास। बहुत मजा आता है माशाल्लाह। हम तो खाते रहते हैं, हम तो इधर ही जानते हैं। तकरीबन हो गए यहाँ पे 3-4 साल हो गए, मुझे इतनी देर हो गया। मैं जब एक फर्स्ट टाइम खाए हैं ना, तो माशाल्लाह मजा भी आया। घर वालों को भी खिलाते हैं। भाई जान आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। उमर भाई पहले बरबर के लेके जा रहे हैं, फिर रेगुलर बाबा जी के चने खाने के लिए जाते हैं। खाते हैं और ये लड़के भी जा रहे हैं, बच्चे भी खाते हैं, फैमिली भी खाती है, बहुत जबरदस्त। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आतिश नबीद, जीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से। आज हम हिम्मत की मिसाल 80 साल बाबा जी के पास मौजूद हैं, जो आलू चना की रेड़ी लगाते हैं। चुंगी से चलते हुए आते हैं, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करते हैं, साइकिल से आलू चने बेचते हुए आते हैं, हलाल रिस्क कमाते हुए। बाबा जी का कहना है कि ये सारा सामान घर पे वो खुद तैयार करते हैं, और तकरीबन 15 से 16 साल से इसी जगह पे खड़े होके भाभड़ा मार्केट फिरोजपुर रोड पे ये आलू चना सेल करते हैं। तो हम बाबा जी के साथ बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या और आखिर क्या वजह बनी 80 साल की एज में भी ये आलू चने सेल कर रहे हैं। तो बाबा जी जी की हाल चल दादा जी? बाबा जी कितने से तो आलू चने बेच रहे हैं? 15 साल हो गए। ठीक है, तो सामान थानू कौन तैयार करके दिंदा साहब? आपे करी जाएगा। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ। ਗਾਜ਼ੀ ਰੋਡ। ਗਾਜ਼ੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਈਦਾ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਂਡਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਅੰਦਰਾ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ? 5,000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਰੁਕਦਾ 5,000 ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਨਕਾ, ਔਰ ਇਨਕੇ ਜੋ ਹਮ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਵੀ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਕਿ ਜੋ 3 ਸੇ 4 ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈਂ, ਅੰਤਰੀਆਂ ਇਨਕੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਡਲੀ ਹੋਈ ਹੈਂ। उसके बावजूद बाबा जी का कहना है कि मांगने से बेहतर है अपनी हिम्मत के मुताबिक कमा के खा लिया जाए। अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला खुश होता है। बाबा जी कहते हैं कि अपनी हिम्मत के मुताबिक जितनी गुंजाइश होती है मैं लोगों की हेल्प भी करता हूँ, इस हालत में भी कि जितना कमा के लेके जाते हैं। बाबा जी एक दिन कितने पैसे कमा देते हो तकरीबन? 4-5 रुपया कमाते हैं जी, आलू चने लेके आते हैं घर से बना के, खुद साफ़ सुथरे, हमने खुद टेस्ट किया माशाल्लाह, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला बाबा जी के काम में बरकत डाले, और बाबा जी किराए के घर में हैं। अगर कोई मुफय्यर हजरात बाबा जी की कोई हेल्प करना चाहें, बाबा जी यहाँ पे मौजूद हैं, और इनके बेटे का नंबर पट्टी पे चल रहा है, वो इनके बेटे से भी रब्ता कर सकता है। अगर बाबा जी को आके मिलना है बाबड़ा मार्केट आ जाएं, बाबड़ा मार्केट आके कॉर्नर पे ये सामने खड़े होते हैं, किसी से भी पूछ लें। 5 बजे के बाद बाबा जी यहाँ पर तशरीफ़ ले आते हैं, जब इनका माल बिक जाता है तो पैदल इसी तरह से घर अपने चले जाते हैं। कोई ऐसा हो जो गिरवी पे ले रहे मकान, गिरवी पे मकान ले रहे उसको पैसे भी देते रहेंगे? बाबा जी कहते हैं कि अगर मकान का बड़ा प्रॉब्लम है, अगर तो मकान इनको गिरवी पे लेते वो गिरवी के भी पैसे ऐसा देते रहेंगे, क्योंकि रोज़गार का वसीला उस तरह से नहीं है। अगर कोई भाईजान, कोई मुफय्यर हजरात कोई हेल्प करना चाहें, तो बाबा जी को इस जगह पर आके लाजमी मिलिएगा। बहुत शुक्रिया।